सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो सब करना नहीं चाहते, फिर भी पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर आपको एक जॉब मिल जाएगा तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगी। शुरुआत में मेरा भी हुआ था कि मेरे को लगा था कि काफ़ी नहीं होगा मेरा ऐसा, लेकिन मैं आज सक्सेसफुल इंजीनियर बन चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं भी एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सब अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको भी मिल जाए। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस इज मेड ऑफ फोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आंसर है सी, फोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर टू, एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज, एटम का जो एलिमेंट होता है तो वो उनका चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो निस्तरित है, तो नो चार्ज। नंबर थ्री, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाय, कंडक्शन की जो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू होता है मतलब फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर फोर में क्या बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मीन्स प्योरेस्ट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज वाला है वही इंट्रिंसिक होता है, और एक्सट्रिंसिक जो होता है वो है पॉजिटिव वाला। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन एट रूम टेम्परेचर मीन्स इन रूम टेम्परेचर क्या होगा कि बोथ होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों ही रहेगा। नंबर फाइव, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0°K विल हैव डैश अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसमें नथिंग होगा क्योंकि 0 K बोला है, इसमें रूम टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन इधर बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही रहेगा, लेकिन इधर कुछ नहीं रहेगा, इसलिए डी होगा, नथिंग।